नमस्कार। पिछले दिनों मुझे उज्जैन जाने का मौका मिला और अवसर था। वहाँ पर हल्दर फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने किसानों की सब्जियों को शहर में बेचने के लिए 3 आउटलेट खोले गए और इसीलिए उनने 15 अगस्त को उन 3 आउटलेट का उद्घाटन किया। वहाँ मुझे देखकर ये बहुत खुशी हुई कि किसान अब अपने सदस्यों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए काम प्रारंभ किए हैं और स्थानीय अधिकारी उनकी बहुत सक्रियता से मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को मिले, ताकि वो अपने उत्पादन के साथ साथ उन उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को पहुंचा सकें। और जब ये कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी मैंने देखा कि वहाँ जो लोग कार्यक्रम अटेंड करने आए थे, वो कार्यक्रम से वापस जाने के पहले सब्जी खरीद के ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो सब्जियाँ वहाँ रखी गई थीं, ये सभी सब्जियाँ खेतों से सीधे आई थीं और वो फ्रेश थीं और वो देखने से ही बहुत आकर्षक दिखाई दे रही थी। दूसरे कि किसानों के FPO ने उन सब्जियों की कीमत भी बहुत रीजनेबल रखी थी, जो उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र थी। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे FPOs इस ओर आगे आ रहे हैं। पहले ज़्यादातर FPO सीड प्रोडक्शन के कार्यक्रम लेते थे और अपने सदस्यों को इनपुट सप्लाई करते थे, पर अभी जो किसानों के उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए भी उनने पहल शुरू की है। इसमें बहुत अच्छी खबर कोविड के बाद ये आना शुरू हुई है कि कोविड के कारण जैसे जैसे बाज़ार खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वो इस बार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जारी की है और उसमें उनने 2022 तक हमारे एक्सपोर्ट को डबल करने का प्रण लिया है। अभी जो पॉलिसी जारी करते समय भारत का जो एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट था वो लगभग $30 बिलियन का था और जिसे 2022 तक 60 बिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी इस पॉलिसी में सबसे पहले जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का भार दिया गया है वो एपिडा के पास है और एपिडा बहुत तेज़ी से FPOs के साथ काम करने के लिए आगे आया है और इसके परिणाम स्वरूप एपिडा ने SFAC और नाफेड के साथ 2 MOU साइन किए हैं, जहां वो ऐसे FPOs को सूचीबद्ध कर रहे हैं जिनको एक्सपोर्ट से जोड़ा जाए, जिनके सदस्य ऐसे उत्पाद पैदा कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है और जिनको सीधे विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो FPO की भागीदारी बढ़ाने के लिए एपिडा काम कर रही है, SFAC काम कर रही है और नाफेड काम कर रही है। अभी इस सब की जानकारी ग्राउंड पर बहुत सारे FPOs को नहीं है, उनको प्रक्रिया का भी ज्ञान नहीं है कि कैसे वो इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं और किस तरह की किस क्वालिटी का मटेरियल एक्सपोर्ट में जाएगा। क्योंकि अभी जो मुख्य आप देखते हैं जो एक्सपोर्ट जिसमें वृद्धि आई है, अगर हम साल टू साल इस वृद्धि को देखें तो ये लगभग 15% की एग्री एक्सपोर्ट की वृद्धि दर है। इसमें चावल, मांस, सीरियल और डेयरी प्रोडक्ट, इसमें लगभग 44.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में लगभग 10% की वृद्धि है और प्रोसेस्ड सीरियल में 69% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये एक बहुत अच्छी
अपॉर्चुनिटी है एफपीओस के लिए। बस इस अपॉर्चुनिटी का लाभ अगर हमारे साथी एफपीओ लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले ऐसी फल सब्जियों को आइडेंटिफाई करना होगा जो वो एक्सपोर्ट में या स्थानीय बाज़ारों में ले जा सकते हैं। उन उत्पादों को एक जैसी क्वालिटी का बनाने के लिए उन्हें अपने सदस्यों के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को सेम करना पड़ेगा, तभी वो एक जैसी क्वालिटी की ह्यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको स्थानीय बाज़ार या एक्सपोर्ट में ले जा सकते हैं। इसके बिना वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में बहुत सारे एफपीओस पिछले दिनों मुझे संपर्क कर रहे हैं और तरह तरह के वो सवाल इस संबंध में पूछ रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ई फसल से उनको वो सब सुविधाएं दी जाएं ताकि वो अपने सदस्यों के प्रोड्यूस को या तो स्थानीय बाज़ार में सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की व्यवस्था से जुड़ें या होलसेलर प्रोसेसर या एक्सपोर्टर से के माध्यम से वो जुड़ें। तो जो एफपीओ साथी इसमें आगे आना चाहते हैं, जो प्रगतिशील किसान इसमें आगे आना चाहते हैं और जो खेती के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एक्सपोर्ट का या मार्केटिंग का, तो वो ई फसल जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ के उनके नेटवर्क का फ़ायदा ले सकते हैं, उनके एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे बाकी एफपीओस भी इसमें तेज़ी से आगे आएंगे। जहाँ तक अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी जारी की गई है उससे मध्य प्रदेश से आलू अनार और प्याज निर्यात की बात उसमें की गई है। तो इन फसलों के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें निर्यात की संभावनाएं हैं और किसान अभी चूंकि स्थानीय रूप से इसको बेचते हैं तो इसमें ग्रुप सेलिंग का मेथड हमें लाना पड़ेगा और ये फसल ग्रुप बाइंग और ग्रुप सेलिंग के मेथड पे ही काम करती है और ये फसल एक तरीके का सोशल ई कॉमर्स का वेंचर है। तो इस वेंचर से जुड़ के आप इसका लाभ ले सकते हैं और अपने किसानों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत दिलवाने में हेल्प कर सकते हैं। इससे एफपीओस की भी आमदनी बढ़ेगी और किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार हर दिन कोई ना कोई ऐसा निर्णय ले रही है जिसमें भारत के कृषि उत्पादों को निरंतर निर्यात किया जा सके। और इसी संदर्भ में अभी हाल में दो दिन पहले प्याज के निर्यात की बात हुई और प्याज का निर्यात अपने यहाँ से शुरू हो गया है तो किसानों को आगामी सीजन में भी प्याज के अच्छे दाम मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इस तरफ आप बढ़ें और जो एफपीओज इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो हमें संपर्क करें, हमें खुशी होगी उनके साथ काम करके। धन्यवाद।